वर्ष 1944 में अपने पहले प्रकाशन के बाद से योगी कथामृत पुस्तक ने दुनिया भर में अनगिनत सत्य साधकों को प्रेरित किया है। विशेष रूप से यह हालांकि यह पुस्तक थी जो मूल रूप में अंग्रेजी में लिखी गई थी, जिसमें कई पश्चिमी लोगों को ध्यान और क्रिया योग की शिक्षाओं के से परिचित कराया गया था। आत्मकथा में प्रसिद्ध भारतीय योगी और प्रबुद्ध गुरु परमहंस योगानंद की असाधारण जीवन कहानी है, जिनका जन्म वर्ष 1893 में हुआ था। इसके पन्नों में योगानंद के युवा होने के दौरान कई संतों और योगियों के साथ उनके आमने सामने के सुंदर और स्पष्ट वर्णन है। अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से मिलने और उनके मार्गदर्शन में 10 वर्षों तक प्रशिक्षण के बारे में और उनके वर्ष 1920 में संयुक्त राज्य अमेरिका आने के बारे में। आत्मकथा से अन्य विशेषताएं योगानंद के अपने गुरु की आदरणीय लाहिरी महाशय की यादों के साथ साथ प्रबुद्ध गुरु और अमर संत महावतार बाबा जी के साथ उनकी मुलाकात है। वर्ष 1920 में परमहंस योगानंद ने आध्यात्मिक संगठन सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF की स्थापना की और इससे पहले 1917 में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया YSS, दोनों अभी भी प्यारे मालिक की शिक्षाओं को फैलाने के लिए उपकरणों के रूप में काम करते हैं। अब हम आपको परमहंस योगानंद के अद्भुत संस्मरण से एक चयन को पढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस अंश के शुरू होते ही हम पाते हैं कि योगानंद ने एक युवा शिष्य के रूप में एक बार अपने गुरु के आश्रम तक को छोड़ दिया, ताकि गहन समाधि अवस्था के दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए उनकी परम लालसा को पूरा किया जा सके। योगानंद राम गोपाल मुजमुदार की तलाश में हिमालय के पहाड़ों की ओर बढ़े, जिन्हें निंदनीय संत कहा जाता था। आमने सामने ने उन्हें एक कीमती परिप्रेक्ष्य किया। अध्याय 13 से उदाहरण बिना निंद का संत। राम गोपाल मजमुदार ने कहा, मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि भगवान क्या है? क्यों वह मेरे भीतर और हर जगह है? मैं जितना व्यग्र था उतना ही दिख भी रहा था। सर्वव्यापी हर ए संत हंसने लगे। तो क्यों युवा साहब, क्या आप कल तारकेश्वर मंदिर में पत्थर के प्रतीक में अनंत के सामने झुकने में सफल रहे? आपके अभिमान ने आपको राहगीर द्वारा गलत तरीके से सजा दिए जाने के कारण, जो बाएं और दाएं के ठीक भेद से परेशान नहीं थे, आज आप भी इसके बारे में काफी असहज समय पा चुके हैं। मैं पूरे दिल से सहमत हुआ, आश्चर्यचकित हो गया कि एक सर्वज्ञानी मेरे सामने शरीर के भीतर छिप गया। योगी से निकलने वाली हिलिंग ताकत में झुलसते हुए मैदान में तुरंत तरोताजा हो गया। उन्होंने कहा, भक्त भगवान के लिए अपना रास्ता सोचने के लिए प्रेरित करता है। योग जिसके भीतर देवत्व पाया जाता है, निसंदेह उच्चतम सड़क है। इसलिए लाहिरी महाशय ने हमें बताया है, लेकिन भीतर प्रभु की खोज हम जल्द ही उन्हें बाहर अनुभव करते हैं। तारकेश्वर और अन्य जगहों पर पवित्र तीर्थस्थल आध्यात्मिक शक्ति के परमाणु केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित है। संत का असंवैधानिक रवैया गायब हो गया।
उनकी आंखों करुणा से कोमल हो गई। उन्होंने मेरे कंधे को थपथपाया, युवा योगी, मैं देख रहा हूं कि आप अपने गुरु से दूर भाग रहे हैं। उनके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। आपको उनके पास लौटना होगा। पर्वत आपके गुरु नहीं हो सकते। राम गोपाल उसी विचार को दोहरा रहे थे जो श्री युक्तेश्वर ने हमारी पिछली बैठक में व्यक्त किया था। अपने निवास को सीमित करने के लिए गुरु कोई लौकिक मजबूरी नहीं है। मेरे साथी ने मुझ पर बहुत गौर किया। भारत और तिब्बत में हिमालय का संतों पर कोई एकाधिकार नहीं है। जो खोजने के लिए अंदर देखने की परेशानी नहीं ली जाती, वह शरीर को यहाँ और वहाँ परिवहन करने नहीं खोजा जाएगा। जैसे ही भक्त आध्यात्मिक ज्ञान के लिए पृथ्वी के छोर तक जाने को तैयार होता है, उनके पास में गुरु प्रकट हो जाते हैं। मैं चुपचाप सहमत हो गया। बनारस के धर्मशाला में मेरी प्रार्थना को याद करते हुए उनके बाद एक भीड़ वाली गली में श्री युक्तेश्वर के साथ बैठक हुई। क्या आप एक छोटा कमरा बना सकते हैं जहां आप दरवाजा बंद कर सकते हैं और अकेले हो सकते हैं? हाँ जी, मैंने प्रतिबिंबित किया कि यह संत सामान्य से विशेष रूप से चिंताजनक गति के साथ उतरे। यह आपकी गुफा है। योगी ने मुझ पर रोशनी डालने का संकल्प लिया जिसे मैं कभी नहीं भुला पाया। वह आपका पवित्र पर्वत है। यह वह जगह है जहां आप परमेश्वर का राज्य पाएंगे। सर, आप मुझे समाधि क्यों नहीं देते? प्रिय, मुझे ईश्वरी संपर्क से प्रसन्नता होगी, लेकिन ऐसा करने के लिए यह मेरी जगह नहीं है। संत ने आधी बंद आंखों से मेरी ओर देखा। आपके स्वामी शीघ्र ही उस अनुभव को प्रदान करेंगे। आपके शरीर को अभी तक सही नहीं किया गया है, क्योंकि एक छोटा दीपक अत्यधिक विद्युत वोल्टेज का सामना नहीं कर सकता है। इसलिए आपके नसें ब्रह्मांडीय प्रवाह के लिए पहले से ही तैयार नहीं है। अगर मैं आपको अभी अनंत परमानंद के देता तो आप ऐसे जलेंगे कि मानो हर कोशिका में जैसे आग लगी हो। अध्याय 14, ब्रह्मांडीय चेतना में एक अनुभव। मैं यहां हूं गुरुजी। मेरी शर्मिंदगी मेरे लिए और अधिक स्पष्ट रूप से बोली। हम रसोई घर में जाकर कुछ खाने के लिए खोजते हैं। श्री युक्तेश्वर का ढंग उतना ही स्वाभाविक था जितना कि घंटों और दिनों ने हमें अलग नहीं किया था। गुरुजी, मैंने यहां अपने कर्तव्य से विचलित होकर आपको निराश करा होगा। मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रोध केवल वासनाओं से फूटता है। मुझे दूसरों से कुछ भी उम्मीद नहीं है, इसलिए उनकी हरकतें मेरी इच्छा के विपरीत नहीं हो सकती। मैं आपको अपने स्वयं के मातब के लिए उपयोग नहीं करूंगा। मैं केवल आपका ही सच्ची खुशी के खुश हूं। सर, एक अस्पष्ट तरीके से दिव्य प्रेम के बारे में सुनता है, लेकिन पहली बार मैं आप में स्वर्गदूतों के स्वयं की एक ठोस उदाहरण देख रहा हूं। दुनिया में यहां तक कि एक पिता भी
आसानी से अपने बेटे को माफ नहीं करता है यदि वह अपने माता पिता के व्यवसाय को चेतावनी के बिना छोड़ देता है। लेकिन आप जरा सा भी दिखावा नहीं करते हैं। हालांकि आपको मेरे द्वारा किए गए कई अधूरे कामों से बड़ी असुविधा होगी। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा जहां आंसू चमक रहे थे। एक आनंदित लहर ने मुझे घेर लिया। मैं इस बात से अवगत था कि मेरे गुरु के रूप में भगवान मेरे दिल के छोटे से ललक का विस्तार लौकिक प्रेम की अतुलनीय पहुंच में कर रहे थे। कुछ सुबह बाद मैंने मास्टर के खाली बैठने के कमरे में अपना रास्ता बनाया। मैंने ध्यान करने की योजना बनाई, लेकिन अवज्ञाकारी विचारों से मेरा प्रशंसनीय उद्देश्य समाप्त हो गया। वे शिकारी की तरह, पक्षियों की तरह बिखर गए। मुकुंद, दूर की बालकनी से श्री युक्तेश्वर की आवाज आई। मुझे अपने विचारों के जैसे विद्रोही लगा। मास्टर हमेशा मुझे ध्यान करने के लिए कहते हैं। मैंने अपने आप को फुसफुसाया। उन्हें मुझे परेशान नहीं करना चाहिए जब वह जानते हैं कि मैं उनके कमरे में क्यों आया हूं। उन्होंने मुझे फिर से बुलाया। मैं संयम से चुप रहा। तीसरी बार उनके स्वर ने फटकार कर कहा, सर मैं ध्यान कर रहा हूं। मैं विरोध करते हुए चिल्लाया, मुझे पता है कि आप कैसे ध्यान कर रहे हो। मेरे मास्टर ने कहा, आपके मन में एक तूफान की तरह पत्ते बिखरे हुए हैं। मेरे पास आओ। शर्म और निरावरण के बाद मैं उदास होकर उनकी तरफ चला। गरीब लड़के, पहाड़ आपको वो नहीं दे सकते जो आप चाहते थे। मास्टर ने सरदयता से आराम से बात की। उनकी शांत टकटकी अपरिमेय थी। आपके दिल की इच्छा पूरी हो जाएगी। श्री युक्तेश्वर शायद ही कभी पहलियों में लिप्त थे। मैं व्यग्र रह गया। उन्होंने मेरे सीने से ऊपर दिल पर धीरे से वार किया। मेरा शरीर स्थिरता पूर्वक जड़वत हो गया। सांस मेरे फेफड़ों से बाहर खींची गई थी जैसे कि किसी विशाल चुंबक द्वारा। आत्मा और मन ने तुरंत अपना शारीरिक बंधन खो दिया और मेरे हर छिद्र से एक भेदती तरल प्रकाश की धारा बहने लगी। मांस वैसे तो मृत था, फिर भी मेरी गहन जागरूकता में मुझे पता था कि इससे पहले मैं पूरी तरह जीवित नहीं था। मेरी पहचान की भावना अब तक शरीर तक सीमित नहीं थी, लेकिन परिधि वाले परमाणुओं को गले लगा लिया। दूर की सड़कों पर लोग मेरी दूर की परिधि पर धीरे धीरे चलते दिख रहे थे। पौधों और पेड़ों की जड़ें मिट्टी की मंद पारदर्शिता के माध्यम से प्रकट हुई। मैंने उनकी शक्ति के आवक प्रवाह को समझा। पूरा आसपास का क्षेत्र मेरे सामने नंगे लेट गया। मेरी साधारण ललाट दृष्टि अब एक विशाल गोलाकार दृष्टि में बदल गई थी। एक साथ सभी बोधगम्य अपने सिर के पीछे से मैंने देखा, लोग रायघाट रोड से दूर टहल रहे थे और एक सफ़ेद गाय को भी देखा जो धीरे धीरे से आ रही थी। जब वह खुले आश्रम के गेट के सामने अंतरिक्ष में पहुंची, तो मैंने उन्हें अपनी दो शारीरिक आंखों से देखा। जब वह ईंट की दीवार के पीछे से गुजरी, मैंने उन्हें साफ अचल देखा। मेरे नैनाभिराम टकटकी के भीतर सभी वस्तुओं त्वरित गति से चित्रों की तरह स्फूर्त और कांपने लगी। मेरा शरीर गुरु का खंभे, बाला, आंगन, फर्नीचर और फर्श, पेड़ और धूप कभी कभी तेजी से उत्तेजित हो जाते हैं, जब तक कि सभी एक रोशन समुद्र में पिघल नहीं जाते। यहाँ तक कि चीनी के क्रिस्टल एक गिलास पानी में फेंक दिया, हिलाने से बाद वे धूल जाते हैं। एकांतर प्रकाश
वैकल्पिक आकार की सामग्री के साथ सृजन में कारण और प्रभाव का नियम का पता चलता है। मेरी आत्मा के शांत अंतहीन किनारों पर एक समुद्री आनंद टूट गया। ईश्वर की आत्मा मैंने महसूस किया। अथक आनंद है, उसका शरीर प्रकाश के अनगिनत सूतक है। मेरे भीतर एक प्रताप की महिमा, कस्बों, महाद्वीपों, पृथ्वी, सौर और तारकीय प्रणालियों, तपपूर्ण निहारिकाओं और तैरते ब्रह्मांडों को ढंकना शुरू हुई। पूरा ब्रह्मांड धीरे से प्रकाशमान, जैसे रात में दूर से देखा गया शहर, मेरे होने की अनंतता के बीच झील मिलाता है। वैश्विक रूप से सुव्यवस्थित वैश्विक रूपरेखा कुछ दूर तक फैली हुई है। वहां मैं एक मधुर चमक देख सकता था, कभी कम न होने वाली। यह अनिश्चित रूप से सूक्ष्म था। ग्रहों के चित्र एक सकल प्रकाश से बने थे। अनंत स्रोत से डाली गई किरणों के दिव्य फैलाव आकाश गंगाओं में धधकते हुए अप्रभावी आभाओं के साथ परिवर्तित होता है। बार बार मैंने रचनात्मक बीम को नक्षत्रों में देखा, फिर पारदर्शी ज्योत चादर में गाढ़ा होता देखा। लयबद्ध प्रत्यावर्तन द्वारा सेक्टलियन दुनियाएं पारदर्शक चमक में पारित होगी, आग दृढ़ होगी। मैंने अपने दिल में सहज धारणा के बिंदु के रूप में स्वर्ग के केंद्र को पहचान लिया। सार्वभौमिक संरचना के हर हिस्से में मेरे नाभिक से जारी होने वाले वैभव को जारी हुआ। आनंदित अमृता, अमरता का अमृत एक तेज तर्रार जल्द चांदी तरलता के साथ मेरे माध्यम से स्पंदित हुआ। भगवान की रचनात्मक आवाज मैंने ओम के रूप में गूंजती हुई सुनी, जो कि ब्रह्मांडीय शक्ति का कंपन है। अचानक सांस मेरे फेफड़ों में लौट आई। लगभग असहनीय निराशा के साथ मुझे महसूस हुआ कि मेरी असीम विशालता खो गई है। एक बार और मैं एक शरीर के अपमानजनक पिंजरे तक सीमित था। आत्मा के लिए आसान नहीं, एक विलक्षण बच्चे की तरह मैं अपने स्थूल शरीर से भाग गया था और खुद को एक संकीर्ण सूक्ष्म जगत में कैद कर लिया था। For more on Paramahansa Yogananda's spiritual organizations, please visit yogananda.org and yssofindia.org.